अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, सो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की स्टेटमेंट क्या है। सो लेट अल्फा एंड बीटा एनी टू एंगल्स। ठीक है, हम लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एंगल्स, बी एनी टू एंगल्स। यहां आप इसको कह सकते हैं कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, देन तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देन एक हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, क्या लिखा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो फार्मूला है इसको क्या कहेंगे, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। विच इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया स्टूडेंट। सो हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स होंगे, मतलब एंगल होंगे, और उसके बाद जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा स्टूडेंट, ये लॉ तो हमने समझ लिया, अब हम क्या करने लगे, इस लॉ को यूज किस तरह से करना है, उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। एग्जांपल, अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय ट्वेल्व। ठीक है, इसमें हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है कॉस पाई बाय ट्वेल्व की वैल्यू। ठीक है, और उसमें यूज क्या करने जा रहे हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये जो पाई बाय ट्वेल्व है इसको जरा चेक कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो आपको पता है पाई बाय ट्वेल्व को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप 180 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। सो पाई बाय 12 आपके पास क्या है, 15 डिग्री के इक्वल है। सो पाई बाय 12 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, हमारे पास 15 आएगा। सो ये तो आपको पता चल गया कि पाई बाय 12 को अगर डिग्री में लिखा जाए तो 15 आंसर आएगा। अच्छा जी, अब चूंकि फार्मूला अगर आप देखें तो उसमें आपको दो एंगल्स आपस में क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे होते हैं, तो मेरे पास लिखा हुआ पाई बाय 12। अच्छा, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, मैं लिखूंगा कि पाई बाय 12, मैंने अभी आपको कहा 15 डिग्री के इक्वल होता है, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री के, और 45 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो आता है पाई बाय 4, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है पाई बाय 12 है, तो इसको भी मैं पाई बाय 12 पाई की फॉर्म में लिखूंगा, था रेडियन की फॉर्म में लिखूंगा। एंड माइनस जो है 30 जो होता है इसको लिखा जाता है पाई बाय 6 के। ठीक है, सो क्या हुआ हमारे पास कि जो पाई बाय 12 है, ये पाई बाय 12 जो है ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 के इक्वल आएगा। आप इसको सॉल्व करें वापस क्या आएगा, पाई बाय 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि हमने फाइंड करने कॉस पाई बाय 12, तो दोनों साइड पे ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड पर कॉस अप्लाई कर देंगे, कॉस पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू कॉस
पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सिक्स, तो कॉस पाई बाय ट्वेल्व। ठीक है, अब इसको जरा कंसिडर करें स्टूडेंट्स। सपोज कर ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये हमारे पास लिखी हुई है अल्फा और ये लिखी हुई है बीटा। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा, देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा किसकी कहलाते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो हम इस पे अगेन उसी तरह फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो क्या आएगा जी हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, ठीक है, साइन अल्फा एंड साइन बीटा, साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने इस पे क्या कर दिया, फार्मूला ओपन कर। अब वैल्यूज देखें क्या आएगी, कॉस पाई बाय ट्वेल्व, कॉस पाई बाय ट्वेल्व, कॉस पाई बाय फोर का मतलब होता है, मैंने देखे शुरू में आपको, पाई बाय फोर का मतलब होता है 45 और पाई बाय सिक्स का मतलब होता है 30। तो कॉस 45 और कॉस 30, आप इसको लिख भी सकते हैं कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस, और इसको देखिए तो साइन पाई बाय फोर मतलब साइन 45 और साइन पाई बाय सिक्स का होता है साइन 30 होता है। तो साइन 45 और साइन 30, साइन 45 डिग्रीज एंड साइन 30। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट हम ऑलरेडी ये वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं कॉस, मैंने आपको जो टेबल लिखवाया था उसमें आपको बताया था कि वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। 30 की वैल्यू भी बताई थी, साइन 45 की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी और साइन 30 की भी वैल्यू फाइंड की थी। तो सारी जो वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज के लिए देखते हैं किस तरह से हम पुट कर सकते हैं। कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होता है 1√2 के। कॉस 30 जो होता है स्टूडेंट, कॉस 30 होता है √3/2 के। माइनस साइन 45 1/√2 होता है और साइन 30 होता है 1/2 होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और तो हमारे पास कॉस पाई बाय 12 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए क्या आएगा, 2/√2। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस 1/√2। सो कॉस पाई बाय 12 ये आ जाएगा आपके पास, अगर आप एलसीएम लेना तो आपके पास आ जाएगा 2/√2 एंड √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ प्लस है तो जरा इसको देख ले, यहाँ प्लस ही आएगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हमने वहां पर माइनस लिखा हुआ, तो ये बेसिकली प्लस आएगा। ठीक है, शुरू में अगर आप देखें तो ये प्लस ही था। ठीक है, क्योंकि फार्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा विद प्लस के साथ आता है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, वैल्यू फाइंड कर ली। सो इसमें आपने देखा कि जब आपने कोई फाइंड करनी हो वैल्यू, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। सो उम्मीद आपको ये बदलाव समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।